हम लोगों को नहीं चाहिए थी, अम्मी जान ने अपना फैसला बदल लिया था। अम्मी जान ने कहा पिंडी नहीं तोड़ते, तो हम लोगों ने तोड़ ली, किया तोड़ी। तो आज पिंडी की चुगाई हो रही है, तो ये देखें कि उन्होंने तोड़ के यहाँ पे पिंडी रखी हुई है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे रखी, अभी और भी ज़्यादा तोड़ रहे हैं अभी तक। तो अभी थोड़ी देर के बाद इनको शॉपरे के अंदर फिल करेंगे, और फिर कल जो सुबह सांझ जो है ना, सुबह सुबह टाइम जाके मंडी में इनको बेच देंगे। बाकी आप देखें ताज़ा सब्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे बहन भाई मेरे ठीक ठाक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आप सभी लोगों को देख के पता चल गया होगा हम लोग कहाँ हुए, दिखा दें सारी चीज़ें किधर आए हुए हम लोग। तो आप लोगों को पता चल गया होगा हम लोग आए हुए हैं जी खेतों में घूमने के लिए, और अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने देखने वालों को घुमाने के लिए आए हुए हैं जी। तो वैसे भी हम लोगों ने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ खूबसूरत चीज़ें, गांव की माहौल शेयर करते हैं। उसके साथ जो है ना, हमें आज भिंडी भी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग माँ जी और मैं 2-3 दिन की पहले भिंडी तोड़ के ले गए थे, लेकिन अभी वो ख़त्म हो चुकी है। तो सालन बनाना था, सालन बनाने के लिए ज़रूरी होती है सब्जी होना। तो अम्मी जान ने कहा चलो जे बेटा हम दोनों चलते हैं, तो सब्जी हम लोग लेके जाएंगे, भिंडी, और उसके साथ जो है ना आज हम लोगों को थोड़े से पट्टे भी चाहिए, मतलब कि घास में चाहिए। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, किस चीज़ के लिए चाहिए आपको हम लोग घर जाके दिखाएं कि हमें अबू जान गए हैं वो चीज़ लेने के लिए। जब वो घर आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो हमारा सरप्राइज़ है वो अच्छा लगेगा। अब जल्दी से जो भिंडी तोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी शाम का टाइम होने वाला है, सूरज ग़ुरूब हो रहा है और सब्ज़ी भी बनानी है। तो जल्दी से घर चलते हैं, और अम्मी जान जो वो हमारे साथ आई हुई हैं, कैमरा अम्मी जान ने पकड़ा हुआ है आज। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता जब अम्मी जान को ना प्रोफेशनल बना देना इंशाल्लाह। तो देखिए माँ जी भी साथ है हमें, अभी माँ जी भिंडी तोड़ेंगे, सूरज देखें ग़ुरूब हो रहा है, इधर माशाल्लाह से सूरज बहुत ज्यादा है, प्यारा लग रहा है, ग़ुरूब हो रहा है। तो नीचे ये जो भी व्यू है ना बहुत ज़्यादा प्यारा, नीचे जो है ना लगी हुई है जी धान की फसल, तो मैंने आपको पहले दिखा दी थी। तो अभी जल्दी से भिंडी तोड़ लेते हैं जो हम लोग काम करने के लिए आए, क्योंकि लेट हो रही है। तो ये देखें पनीरी कितनी ज़्यादा सरसब्ज और कितनी प्यारी खड़ी हुई है, कैमरे में तो ज़्यादा प्यारा लग रहा है, दिल कर रहा बंदा देखी जाए इसे बस। ये है धान की पनीरी। जी जी माश, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें सारी जो फसल खाली हो चुकी है, अभी ट्रैक्टर गुजारने की जगह जो हमारी वो बन चुकी है। अभी बस आज या कल, आज तो नहीं कर सकते क्योंकि आज लेट हो गए हम लोग, कल इनशाला या परसों जो है हमारा व्लॉग जो है ये घर का स्टार्ट होगा इनशाला। हम लोगों ने जो घर स्टार्ट करना है, तो ट्रैक्टर वगैरह गुजारने की जगह बन चुकी है, मिट्टी वगैरह अभी गुजारनी है। तो ज़मीन भी भिंडी तोड़ खाली रही हो थी, चुकी लेकिन है, अभी हमारा थोड़ा सा आइडिया हो चुका है जी चेंज। अम्मी जान कह रही हैं कि हम लोगों ने भिंडी 2-3 दफ़ा पहले बनाई है, तो हम लोग इसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, जस्ट आपके साथ वैसे शेयर कर देंगे हमारा खाना बन रहा है, रोटी बन रही है, थोड़ी सी ये चीज़ें शेयर कर देंगे अपने ब्लॉग में। तो अम्मी जान फिर घिया वो तोरी घिया तोड़ लें। तोड़, हाँ हाँ घिया तोड़ी घिया बनाएंगे। तोरी बहुत कम हम लोगों ने बनाई, यहाँ पे लगी हुई है, हमारा दिल कर पड़ा कि चलो आज हम लोग ना घिया तोरी बना लेते, भिंडी का दिल नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा खा लिया, तो अभी थोड़ा दिल उतार चुका है, लेकिन देखते ताज़ा हैं, खड़ी हुई देख के खुशी होती है, लेकिन अभी बना नहीं सकते। हाँ देखती हूँ कि घिया तोड़ी लगी है होगी कि माँ नहीं। जी, जितनी हमें चाहिए घर के लिए उतनी तो मिल ही जाएगी हांडी के लिए। तो ये देखें जी घिया तोरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी ज्यादा खड़ी हुई सरसब है। खड़ी खड़ी हुई है तो अम्मी जान ना सब्जी के अंदर आ चुकी हैं, अभी मैं साथ थोड़े से ढूंढवा लेते हैं घिया तोरी, ताकि हमारा जो काम जल्दी जल्दी हो जाए, लेट ना हो जाए, हम लोग ने हांडी भी बनानी जाके। बस थोड़ा सा प्यारा सा माहौल आपको दिखा दूँ, ये देख लें जी। ये देखें जी लालियां वगैरह बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, अभी उड़ गई हैं, प्यारी लग रही थी बहुत ज़्यादा। खुला आसमान है जिधर उनका दिल करता है अगली घूमती फिरती, यहाँ के परिंदे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, सुबह जब हम लोग निकलते हैं वॉक के लिए तो घूमते फिरते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा माहौल है माशाल्लाह। तो माँ जी के साथ मैंने थोड़ी सी हेल्प करवाई है, घिया थोड़ी हम लोगों ने तोड़ के रख ली, आप देख सकते हैं, और थोड़ी सी मिर्चें भी तोड़ ली हैं। अभी माँ जी थोड़ी सी और उनको चाहिए थी, उन्होंने कहा थोड़ी सी और तोड़ लेते, रोज़ रोज़ तो आया नहीं जाता, तो उन्होंने कहा इकट्ठी जो ना है 1-2 दिन के लिए तोड़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग थोड़ी सी ले लेंगे धनिया। और उसके बाद इधर चल चुके हैं टर्बाइन, तो टर्बाइन का सीन भी आप थोड़ा सा दिखाते हैं, फिर थोड़ी सी घास चाहिए हमें वो भी लेंगे, और फिर चलते हैं घर, और जो आपके लिए सरप्राइज़ है आपको वो भी दिखाते हैं। हाँ जी माँ जी, हो जी हो गई कम्प्लीट नहीं बेटा, थोड़ी यार, और काफ़ी हैं तोड़नी, इतनी नहीं ज़्यादा। बच्चे हाँ जी थोड़ी हूँ। अभी भी थोड़ी हैं, चलो सही है।
टमाटर भी हुए हैं यहाँ पे उगे हुए हैं। ये देखें टमाटर का पौधा हुआ है, इसको देखें कुछ हरे भी खड़े हुए हैं और कुछ जो है ना फूल तैयार हैं। तो हम लोगों ने आपको टमाटरों की पूरी फसल भी पहले दिखाई है, तो उसके ऊपर तो गुच्छे के गुच्छे भरे हुए थे टमाटरों के लगे हुए थे जो मैंने आपको दिखाए थे पहले। सब्जी मिजान ने कर लीजिए कंप्लीट। ये देखें इतनी बड़ी है, ये काफी है माँ जी चार बंदों के लिए। ये तो 3 दिन हम लोग लगातार खाते रहे ना तो फिर ही ना खत्म हो। इसमें से हम लोगों ने आधी आधी बनानी है बस बेटा, थोड़ी सी बन गई, इतना साले नहीं बनी। ठीक, तो अभी माशाल्लाह से तरपाइन चली और हम लोग तोड़ने के लिए आए हुए थे सब्जी, तो हम लोगों ने सोचा कि हाथ मुंह वगैरह धो लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी थी हवा सी। ये देखें और भाई साहब पानी इतना ज्यादा ठंडा है ना, ये देखें गर्मियां आ गई हैं, तो गर्मियों में जब लगातार बिजली चलती रहती है, टरबाइन चलती रहती है, उसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो मुंह वगैरह धो लेते हैं। गांव में जो टरबाइनें लगी होती है इनका जो पानी निकलता है ना, इनकी बोर बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एक दफा कोई इसमें हाथ मुंह धो लेना, एक दफा तो उसकी जिंदगी में सुकून आ जाता है। कितने ज्यादा काम आप कर रहे हैं गर्मी में, उसके बाद आप यहाँ पे नहा लें या मुंह धो लेना, बड़ा सुकून आ जाता है और बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अम्मी भी माँ जी भी अब आ चुकी हैं जी मुंह धोने के लिए। आ जाए माँ जी आ जाए, गर्मी बड़ी ज़्यादा हो गई है। असल में ना सेकंड टाइम सारे दिन गर्मी पड़ती है, सेकंड टाइम जो फसल लगी होती है ना वो हबस उनके उनसे बहुत ज़्यादा निकलता है, उनके अंदर से गर्मी बहुत ज़्यादा निकल होती है। तो कोई भी अगर बंदा काम करता है ना गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, तो इस वजह से जो काटने का, तो अम्मी जान जो है ना वो काट रही हैं। ये मैंने आपको उस दिन दिखाई थी एक्स्ट्रा सूरज डूब चुका है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, यहाँ से सिर्फ कलर ही शो हो रहा है उसका, लेकिन सूरज जो खुद शो नहीं हो रहा। ये देखें जो घास वगैरह अम्मी जान ने काट लिया और कपास की फसल यहाँ पर लगी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हुई खड़ी है। पिंडी हम लोगों को नहीं चाहिए थी, अम्मी जान ने अपना फैसला बदल लिया था, अम्मी जान ने कहा पिंडी नहीं तोड़ते, तो हम लोगों ने तोड़ ली किया तोरी। तो आज पिंडी की चुगाई हो रही है, तो ये देखें कि उन्होंने तोड़ के यहाँ पे पिंडी रखी हुई है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे रखी है, अभी और भी ज़्यादा तोड़ रहे हैं अभी तक। तो अभी थोड़ी देर के बाद इनको शॉपरे के अंदर फिल करेंगे और फिर कल जो सुबह सांझ जो है ना सुबह सुबह टाइम जाके मंडी में इनको बेच देंगे। बाकी आप देखें ताज़ा सब्ज़ी, ये देखें जी अम्मी जान ने घास भी काट रही है। अब हम लोग जा रहे हैं जी घर, अम्मी जान और मैं सब्जी और घास लेके आ गए, तो आप देख वो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। तो रात को जो चीज़ आनी थी वो नहीं हम लोग ला सके, तो अभी सुबह सुबह गए हैं तो वो लेके आए हैं। तो वो क्या चीज़ है वो अभी पड़े हुए हैं जी बोरों के अंदर, बोरे के अंदर पड़े हैं, अभी आपको नहीं दिखाएंगे। तो घास जो है हम लोगों ने जैसे ही ला के रखी है, हमारी मुर्गी मैंने आपको जैसे बताया ना कितना ज़्यादा नुकसान करती है, सारी घास जो इसने बिखेर दी सारी ज़ाया कर दी है, थोड़ी बहुत ज़ाया बाकी कुछ पड़ी हुई यहाँ पे। तो कबूतरों को हम लोगों ने सुबह सुबह ही निकाल दिया, दाना वगैरह इनको डाला है। तो ये देखिए जो मैंने नहलाया था इनको, तो अभी इसका कलर चेक करिए कितना ज़्यादा प्यारा है, प्योर वाइट कलर में जो है ना मैंने नहलाया था कल इसको शैम्पू से, और साफ सुथरा जो इसका कलर आ गया हुआ है। हसीब भाई जो है ना फेस रिवील करेंगे जो चीज़ हम लोग लेने के लिए गए थे। चलो हसीब भाई सुबह सुबह के टाइम है, तसीब भाई गा रहे, तो मैंने कहा थोड़ा सा भाई साथ मिला लेते हैं काम में, ग्लाव वगैरह जो बना लेते हैं हम लोग प्यार से। ये देखें जी हमारे घर एक और नई चीज जो है ना आ चुकी है, 2-3 चीजें पहले हम लोग लेके, अब दूसरी और जो है ऐड हो चुका है। बाकी खरगोश जो बहुत ज्यादा प्यारे हैं, जितने इनका साइज है ना मैंने अभी देखे, इतने ज्यादा जिंदगी में हम लोग इतने बड़े हम लोगों ने खरगोश नहीं देखे, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। बस नहाने वाले हैं, थोड़े से
मिट्टी लगी उनके ऊपर, बाकी जो है बहुत ज्यादा प्यारे, बहुत ज्यादा खूबसूरत, इतने ज्यादा बड़े हैं ना, हमने जिंदगी में इतने बड़े देखे नहीं कभी खरगोश। ये बड़ा खरगोश है, एक और है जो खरगोश नहीं है, हसीब भाई वो भी निकालो। ये है जी खरगोश, शायद आपको कैमरे में छोटे नजर आ रहे हैं लेकिन ये छोटे नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े हैं। और मानव बिल्ली जो शिकार करने के लिए आ गई है, ये सुबह का शिकार में भाग रही है, शिकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी छोटी है कैसे शिकार कर सके। ये है जी हमारी खरगोशनी, तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ी है। और जिनसे हम लोगों ने लिए है ना, उन्होंने कहा जी इसने अभी बच्चे दे देने हैं एक दो दिन में, तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो भी हमें चीज़ मिल रही है ना, मुनासिब मिल रही है, तो अभी इसने बच्चे के दो दिन में देने, और उसके बच्चे इतने ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत खरगोश होते हैं, शायद आप लोगों ने पहले देखे भी हों। तो इसके लिए हम लोगों ने सेटअप ये इस खुडे के अंदर ही करना है, मिट्टी के अंदर नहीं करेंगे, इसमें इन्होंने दीवारों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना है। तो हम लोग सोच रहे हैं ये जो खुडा है ना, इसी के अंदर जो फटियाँ वगैरह हम लोगों ने रख दी हुई हैं नीचे वाली साइड पे, हम सोच रहे हैं कि मिट्टी वगैरह डाल के ऊपर फटियों का सिस्टम को ऐसा सीन कर देंगे ताकि ये बच्चे ईजिली अपना इसी के अंदर दे दे। अगर हम लोगों ने मिट्टी के अंदर इसका सिस्टम बना दिया ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करना है दीवारों का, बारिश आती है पानी जो है दीवारों के एहरों के अंदर चला जाता है। पहले हमारे खरगोशों का शिकार कर रही थी, अभी कबूतरों का शिकार कर रही है मानो बिल्ली, कुछ कहती नहीं है, बस जान के ना हरकतें करती है बिल्ली, आपको पता है हरकतों का आदत होती है इन्हें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे जो खरगोश हैं वो प्यारे लगे होंगे। अभी थोड़ा सा नहलाना है इनको, उसके बाद जो ना साफ सुथरे हो जाएंगे, अंदर जाके बिस हो जाएंगे, खरगोश नहीं अंदर चले गए। तो अभी जब बच्चे होंगे ना, वो तो प्योर वाइट कलर में है ना हसीब भाई, कि नहीं आपको खुशी है कि नहीं है खरगोश आने की? बहुत ज़्यादा खुशी है हसीब भाई, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमारे कबूतर भी हो गए, मुर्गी भी होगी, अब खरगोश भी हो गए और मानो बिल्ली भी हो गई है। अभी एक डॉग रह गया, वो भी इंशाल्लाह हम लोग लेके आएंगे। बाकी इसका कलर आप देखिए कितना ज़्यादा प्यारा वाइट कलर निकला है नहलाने के बाद। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। और हमारे एड्स स्किप ना क्या करें प्लीज़, हमारे एड जो आते हैं वो देखा करें। हम लोग इसी तरह के खूबसूरत और प्यारे से जो है व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, और अपने जो जानवर हम लोगों ने इंशाल्लाह पूरे करने हैं, और फिर इसी रिलेटेड जो है ना व्लॉग्स वगैरह बनाया करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स पसंद आए।